बुंदेलखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा योगदान वीर बुंदेलों का मिलता है, इसलिए बुंदेलखंड को बुंदेलों की भूमि कहा जाता है। अब आखिर बुंदेला कौन थे, इनका इतिहास क्या है और बुंदेलखंड में इनका कितना महत्व है, जानेंगे इस वीडियो में। काशी के शासक मणिकराय गढ़वाल थे, जिनको एक रानी से 4 पुत्र हुए थे और दूसरी रानी से 5वां पुत्र हुआ, जिसका नाम पंचम सिंह रखा गया। जब राज्य का बंटवारा हुआ तो पंचम सिंह को राज्य नहीं मिला। कहा जाता है कि पंचम सिंह देवी का बड़ा भक्त था। वह विंध्यवासिनी देवी की शरण में गया और अपना शीश काटकर माता को बलि देने लगा, लेकिन देवी ने उसे रोक लिया। उसकी गर्दन पर तलवार रखने से उसके खून की 5 बूंदें गिर गईं। इस कारण भी उसे पंचम सिंह बुंदेला कहा गया। पंचम सिंह पहला बुंदेला था जिसने बुंदेला साम्राज्य की नींव रखी और पहली बार बुंदेलखंड नाम भी इन्हीं ने इस्तेमाल किया था। इन्होंने कुछ रियासतों को जीता और उन्हें अपनी जीत के तौर पर बुंदेलखंड रियासत नाम दे दिया। पंचम सिंह को बुंदेलों का पूर्वज भी कहा जाता है। पंचम सिंह के पुत्र वीरभद्र हुए, जिन्होंने महोबा को अपनी राजधानी बनाया और उसका विस्तार किया। वीरभद्र के पुत्र कर्णपाल बुंदेला हुए और उनके बाद उनके अनेक वंशज हुए, लेकिन किसी ने भी कुछ खास नहीं किया। इनके अंतिम योग्य बुंदेला शासक हुए रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जिन्होंने ओरछा नगर बसाया और ओरछा किला और महल बनवाए। इनके बाद मधुकर शाह बुंदेला ओरछा के राजा बने। मधुकर शाह की ही पत्नी गणेश कुंवरी थी, जो अयोध्या से राम राजा सरकार को ओरछा लेकर आई थीं, जो आज भी राम राजा सरकार के रूप में ओरछा में विराजमान है। मधुकर शाह बड़े ही पराक्रमी और वीर बुंदेला हुए, जिनके सामने अकबर भी नतमस्तक था। मधुकर शाह के 8 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र था वीर सिंह देव बुंदेला, जिसने अकबर के पुत्र सलीम की मदद अबुल फजल को मारने में की थी। सलीम ने वीर सिंह देव बुंदेला को स्वतंत्र रियासत दे दी और वीर सिंह देव स्वतंत्र रूप से ओरछा पर शासन करने लगे। वीर सिंह देव ने ही मथुरा के केशव देव मंदिर को बनवाया। वीर सिंह ने ओरछा में 52 भवनों का निर्माण करवाया। वीर सिंह देव के शासनकाल को बुंदेला साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। वो इतने न्यायप्रिय थे कि उन्होंने अपने ही बेटे को भरे दरबार में शिकारी कुत्तों से मरवा डाला था, क्योंकि उनके बेटे ने एक साधु के बेटे को शिकारी कुत्तों से मरवा डाला था। उनके पुत्र जुझार सिंह हुए। ये वही जुझार सिंह थे जिन्होंने अपने छोटे भाई हरदौल को अपनी ही पत्नी से जहर देके मरवा डाला था। हरदौल की कथा आज भी बुंदेलखंड के घर घर में सुनाई जाती है और इन्हें बुंदेलखंड का मामा कहा जाता है। जुझार सिंह, हरदौल और उनकी बहन कुंजा की कहानी बुंदेलखंड की सबसे ज़्यादा चर्चित लोक कथाओं में से एक है। जुझार सिंह ने जो पाप किया उसकी उसे बड़ी सजा मिली। शाहजहां की सेना ने जब ओरछा पर आक्रमण किया, जुझार सिंह अपने पुत्र के साथ जंगल में भाग गया। वहां गोंडों ने उन्हें मार डाला और उनके सर काटकर शाहजहां को भेंट किए। शाहजहां ने उनके कटे हुए सिरों को सीहोर नगर के दरवाजे पर टांग दिया था। ओरछा के राजकुमार और स्त्रियों को कई प्रकार की यातनाएं दी गईं। जुझार सिंह के बाद उनका एक और भाई देवी सिंह शासक बना, लेकिन उसका शासनकाल ज़्यादा नहीं चल सका। इसके बाद कई बुंदेली शासक हुए जिन्होंने शासन किया, लेकिन कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो बुंदेली साम्राज्य को संभाल सके। और इसके बाद एक शासक हुए जिनका नाम था भगवान दास बुंदेला। भगवान दास बुंदेला के पुत्र हुए चंपत राय। चंपत राय एक बड़े ही वीर और साहसी बुंदेला हुए, जो छापामार युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने एक बार फिर बुंदेलों को संगठित किया और सेना बनाई और बुंदेलखंड का विस्तार किया, लेकिन विश्वासघात के कारण उन्हें मुगल सैनिकों ने घेर लिया। बंदी बनने से उन्होंने मर जाना बेहतर समझा और अपनी पत्नी लाल कुंवर के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन्हीं चंपत राय के पुत्र हुए महाराजा छत्रसाल बुंदेला, जो एक वास्तविक बुंदेला शासक बने और उन्होंने बुंदेलखंड को मुगलों से मुक्त करवाया। वो इतने वीर और पराक्रमी थे कि उन्होंने केवल 5 घुड़सवारों और 25 पैदल सैनिकों के साथ मुगलों से जंग छेड़ दी थी।
उनके लिए कहा जाता है कि इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहूं होंस। छत्रसाल को ही अंतिम बुंदेला शासक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके बाद बुंदेला साम्राज्य का लगभग अंत हो गया और बुंदेलखंड रियासतों और जागीरों में बंटता चला गया। तो ये थी बुंदेलों की कहानी जिन्होंने बुंदेलखंड का विस्तार किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।